सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। यहाँ समाजवादी से मतलब ये कई तीन बार मतलब जीत चुके हैं। हमारा अस्पताल के अंदर इतनी हालत ख़राब है कि मरीज ये यहाँ से जाता है बिजनौर के लिए रफू कर देते हैं और पता चला कोतवाली पार गया, ख़त्म हो गया। तो क्या हो गया, समाजवादी से क्यों नाराज हैं आप सब लोग, क्यों इस बार अचानक केस ली जा रही है? समाजवादी जो है इन्होंने अपने आप जो है जब मतलब कोई जब लोग कोई जुल्म ऐसा हुआ मतलब आवाज़ नहीं उठाई, क्या क्या हुआ ये तो सभी जानते हैं क्या हुआ। समाज एक तरफा केस ली? नहीं नहीं, सभी लोग 36 बिरादरी एक तरफा केस, सारी बिरादरियों का मामला है ये। ठीक है, मुसलमानों का नहीं है, सबका है। साइकिल को भुला दिया इन लोगों ने, कह रहे आप पे केतली को कामयाब करेंगे, चाय पीनी है केतली से। NRC का मुद्दा हो और पहलवानों का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, हर जगह बिना कुछ किसी पद पे होने के बाद जो है आगे मिलते हैं, जेल जो गए हैं उन पर हमला हुआ है। जब किसी अपने पद पे आएंगे तो इंशाल्लाह और हमारी बात को पार्लियामेंट में रखेंगे। भाजपा सरकार पिछली बार आई, तमाम जुमलेबाजी करी, तमाम वायदे किए हम लोगों से कि भाई 15 लाख रुपए खाते में भेजे जाएंगे, बोले 2 करोड़ नौकरी होगी, वो सब हवाई वायदे निकले। उनके कोई भी ऐसा मसला नहीं है सामने कि जिसको पूरा किया गया हो। CCA में आपका स्वागत है। हम अभी नगीना लोकसभा सीट पर हैं। नगीना लोकसभा सीट में लगभग 45% या 44-45% यहाँ पर लगभग मुस्लिम वोटर हैं और उसी के साथ साथ 24% लगभग दलित या शेड्यूल कास्ट वोटर है। ये एक रिजर्व सीट है, इसी रिजर्व सीट। चुनाव आते आते बहुत लोगों को उम्मीद थी कि चंद्रशेखर रावण की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो जाएगा। कई कारणों से वो गठबंधन नहीं हो पाया। जैसे मैंने बताया, यहाँ पर एक बड़ी संख्या जो वोटर की है यहाँ मुसलमानों की है। जो मुसलमान यहाँ पर पहले बसपा या सपा दोनों की तरफ गए थे, किसी ज़माने में कांग्रेस की तरफ भी, लेकिन इस बार क्या राय है मुस्लिम समाज की, ख़ास कर की जब से चंद्रशेखर भी यहाँ पर एक अपने उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए हैं। आइए पता करते हैं क्या यहाँ लोगों के बीच में माहौल है। हाँ जी साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शमी। हाँ जी, मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी जी, शमी साहब क्या माहौल है इस बार चुनाव का? वही एक तरफा जी, केतली चल रही, मतलब चंद्रशेखर। हाँ, क्यों आपको चंद्रशेखर पसंद आ रहा है? वो गरीब आदमी, वो जहाँ को कांड हो समय पहले पहुँचते हैं, वो संघर्षशील आपको लगता है, जो आंदोलनों में जुड़ता है, लोगों के साथ जुड़ता है। यहाँ पर पहले सपा या बसपा की तरफ भी मुस्लिम गए थे, इस बार क्यों नहीं रुझान है दूसरा रहा? चंद्रशेखर का ही ज्यादा लग रहा है। सब केतली है, हाँ जी आप केतली है, आपके इकट्ठी सब एक तरफा केतली है, एक तरफा मुस्लिम समाज एक तरफा केतली। नहीं नहीं, सभी लोग 36 बिरादरी एक तरफा केतली, सारी बिरादरियों का मामला है। ठीक है, मुसलमानों का नहीं है, सबका है। तो चाचा ये बताइए क्यों आपको पसंद आ रही है? पता नहीं आपके सब लोग केतली केतली, पता नहीं क्या बोल। ये लड़का चंद्रशेखर पसंद है आपको, क्या बात है? जी 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 जी, क्या पसंद है इसके बारे में? बस आपके क्या, आप पे साइकिल को भुला दिया इन लोगों ने, कह रहे आप पे केतली को कामयाब करेंगे, चाय पीनी है केतली से। चाय पीनी है केतली से। पिछली बार चाय वाला आया था लेकिन इस बार केतली लेकर ही दूसरा अपना चाय ही खुद लेकर आ गए हैं। जी साहब आपका नाम? मेरा नाम गुलनवाज। गुलनवाज साहब, क्या लग रहा है चुनाव आने वाला है आपके नगीना में? बहुत चर्चे, हॉट सीट बन चुकी है नगीना कहीं ना कहीं। केतली निकली हुई रखी, एक तरफ आया था। अच्छा जी, चंद्रशेखर दिल तय लोगों के साथ जुड़ा पड़ा पब्लिक। ये बताइए चंद्रशेखर क्यों इतना यहाँ पर पसंद आ रहा है आपको या लोगों को? ना साइकिल एक तरफ रख दिया। अच्छा, चंद्रशेखर आजाद दिलों में छाया पड़ा लोगों का। साइकिल इधर पंचर हो गई, मतलब पंचर है, खत्म। इस बार केतली की चाय पीनी है, केतली की चाय पीनी है। क्या आपको लग रहा है कि चंद्रशेखर वो मुद्दे उठा पाएगा? मुद्दे तो खुद उठाएगा, जब वो जावेगा तो खुद ही मुद्दे उठावेगा, हमारी आवाज पहुंचावेगा वो। जी आप बताइए साहब आपका नाम? लईस अहमद। जोर से बोलिए, लईस अहमद। लईस साहब क्या इस बार चुनाव का रुझान है? यहाँ तो सब केतली केतली कर रहे हैं। बस केतली की आवाज चल रही है, तो सब केतली है, मतलब चंद्रशेखर है पक्का लग रहा है। अच्छा ये मुझे बताइए, मैं इसलिए भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि चाहे अतीक की बात हो, चाहे CNRC की बात हो, कई चीज़ों पर यहाँ पर अखिलेश काफ़ी हद तक शांत रहे थे, लेकिन चंद्रशेखर ने उस पर कई अलग अलग मुद्दों पर, या किसान आंदोलन पर भी चंद्रशेखर बोले, दलितों के भी सवाल पर चंद्र। आपको लग रहा है कि क्या इसलिए आप लोगों का ज़्यादा रुझान है कि वो कहीं ना कहीं जहाँ संविधान पर हमले की बात होती है तो उसके खिलाफ वो हमेशा अपनी आवाज़ उठाते हैं, क्या ये पसंद है या कुछ और बात पसंद है? नहीं, आवाज़ उठाना वाला आदमी मतलब कोई भी हो वो चाहिए। अब यहाँ समाजवादी से मतलब ये कई
तीन बार मतलब जीत चुके हैं। हमारा अस्पताल के अंदर इतनी हालत ख़राब है कि मरीज ये यहाँ से जाता है बिजनौर के लिए रफू कर देते हैं और पता चला कोतवाली पार गया, ख़त्म हो गया। औरत ये गर्भवती है, वो पता चला रास्ते के अंदर ही मामला हो गया। कोई इस तरह की सुविधा नहीं है यहाँ पे। तो स्वास्थ्य और शिक्षा इस बार मुद्दे होने वाले हैं चुनाव। हाँ, स्वास्थ्य और शिक्षा इस बार। ठीक है साहब, आप बताओ जी, नौजवान हैं आप लोग, क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद ईशान। ईशान भाई बताइए, किस बार जा रही है आपकी वोट? इस बार चंद्रशेखर भाई की तरफ जा रही है। क्यों जा रही है चंद्रशेखर भाई? युवा नेता आए हैं हमारे बीच में, युवाओं की जो है बात पार्लियामेंट तक पहुँचाएंगे, किसी भी मसले को लेकर। हमारे यहाँ का हॉस्पिटल हो, स्टेडियम हो, NRC का मुद्दा हो और पहलवानों का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, हर जगह बिना कुछ किसी पद पे होने के बाद जो है आगे मिलते हैं। जेल जो गए हैं उन पर हमला हुआ है, जब किसी अपने पद पे आएंगे तो इंशाल्लाह और हमारी बात को पार्लियामेंट में रखेंगे। तो आपको लग रहा है एक संघर्षशील आदमी है जो लोगों की आवाज़ उठाते हैं? जी इंशाल्लाह ज़रूर आवाज़ उठाएंगे जब किसी पद पे होंगे। चाचा आप बताइए, आपका क्या नाम हुआ? महबूब। महबूब साहब किधर जा रहे हैं चुनाव? हाँ, जो हमारा बच्चा बहुत सही बोला, जो बोला चंद्रशेखर। हाँ सिर्फ। लेकिन आप पहले कहाँ वोट दे रहे थे? पहले वोट तो हमारा साइकिल बजा था। वोट तो क्या हो गया, समाजवादी से क्यों नाराज हैं आप सब लोग, क्यों इस बार अचानक केस ली जा रही है? समाजवादी जो है इन्होंने अपने आप जो है जो मतलब कोई जब लोग कोई जुल्म ऐसा हुआ मतलब आवाज़ नहीं उठाई, क्या क्या हुआ ये तो सभी जानते हैं क्या हुआ। और चंद्रशेखर को आपको लगता है उसने आवाज़ पुरजोर तरीके से उठाई? आवाज़ उठाई भी नहीं। अब काम वो सही करेगा तो अच्छा नहीं होता, कोई किसी का वो तो है नहीं। सही बात। आप बताइए साहब, नौजवान हो, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद बिलाल। बिलाल क्या करते हो? मैं अभी पहले बाहर रहता था, अभी घर पर आया हूँ छुट्टी में। वोटिंग के लिए आए हो? ईद पर आए थे? जी वोटिंग के लिए आया। मतलब ईद पर आए थे? जी जी। और अब वोटिंग तक रहोगे? वोटिंग तक रहोगे। चलिए बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। आप यहाँ पर घर वापस आए हैं, कितने साल हो गए, आपकी उम्र क्या होगी? अभी 22-23 साल। 22-23 साल। तो दूसरी बार लोकसभा में वोट कर रहे हो? पहली बार? फर्स्ट टाइम। अरे चलो जी, मुबारक हो। तो पहला वोट कहाँ जाएगा आपका? अभी वोट जो जाएगा वो चंद्रशेखर जी को जाएगा। भाई साहब यहाँ तो सभी चंद्रशेखर कर रहे हैं, क्या हो गया इस बार? सपा से क्यों नाराजगी है इतनी? सपा से कोई नाराजगी नहीं है, अभी पिछले 15 सालों से यहाँ पे जो विधायक है माननीय मनोज पारा जी, वो सपा के विधायक है। हाँ जी। अभी तक सांसद हैं? नहीं, विधायक। अच्छा, विधायक। विधायक सांसद जो थे वो मायावती जी से। जी मायावती जी, गिरीश चंद जी से जी। लेकिन आज तो कोई काम इसमें ऐसा हुआ नहीं, कोई हॉस्पिटल है ना, कोई अच्छी शिक्षा है ना, कोई अच्छा कोई सरकारी हॉस्पिटल है, ऐसा कुछ भी काम ऐसा हुआ नहीं, कोई विकास जो देखने लायक हो। ये बात हमारे दर्शक ज़रूर गौर करें कि हम उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ पर भी जा रहे हैं, चुनाव हमेशा कुछ हद तक बिरादरीवाद और इन चीज़ों पर आ जाता है, लेकिन इस बार शिक्षा और स्वास्थ्य हर जगह जहाँ पर हम जा रहे हैं ये मुद्दे आज चुनाव में बने हैं, खासकर कि नौजवानों के बीच में। उम्मीद है आने वाले सालों पर इसी पर ही चुनाव होंगे। भाई साहब बताइए, क्या नाम आपका? तो हमारा तो पंजा का वोट है। किधर है? पंजा। पंजे पर? हाँ, जब से वोट आया है पंजे के अलावा देते ही नहीं। लेकिन पंजे यहाँ तो सारे इस बार केतली पर तो वो हमारा तो अकेला है, तो इस बार पंजा तो है नहीं उनका, तो नहीं, हमेशा जब से हम पैदा हुए हैं। तो इस बार क्या साइकिल पर दे रहे हैं, क्योंकि उनका तो गठबंधन है पंजा? हाँ, वो मजबूरी है। मजबूरी है। चंद्रशेखर पर आप नहीं है ना? चलिए आप बाकी सब, लेकिन क्या कांग्रेसी आदमी भाई आप? कांग्रेसी? ये परसों से कांग्रेसी हुए हैं, जब से एक मीटिंग हुई थी सभा, परसों से कांग्रेसी हुए हैं, उससे पहले केतली वाले थे। ये वहाँ चाय मिली स्पेशल पीने के लिए तो कांग्रेस पे हो गए थे। सीधा केतली लेकर आ रहा आपको एक चाय में? ऐसा है कि मेरा तो हमेशा अकेला ही वोट गया। परसों फिर से मीटिंग होगी तो परसों फिर से केतली? चलिए जीशान, क्या सोच रहे हैं, चुनाव आने वाला है, कहाँ जाने की सोच रहे हैं? एक तरफा ये चंद्रशेखर, एक तरफा चंद्रशेखर। क्यों चंद्रशेखर इतना पसंद आ रहा है सबको? क्योंकि साइकिल का 15 साल से कोई काम नहीं हुआ, ये देख रहे हो आप नगीने की हालत। ये भी चेयरमैन साहब की बदौलत है, ये सारी सड़कें जो खराब हैं। सारा किरतपुर में काम होता है, इधर भी इधर काम होता है, यहाँ नहीं होता नगीने में। नगीने में कोई काम? कोई काम नहीं है। ठीक है ठीक है। एक तरफा चंद्रशेखर, एक तरफा चंद्रशेखर। यहाँ एक नौजवान खड़े हैं, भाई साहब बताइए। अस्सलामुअलैकुम। क्या नाम आपका? वालेकुम सलाम। मोहम्मद जैद। मोहम्मद जैद, जैद साहब किधर जा रहे हैं चुनाव में? चुनाव में बस केतली डालेंगे। केतली? जी जी। भाई साहब इस बार सारे नौजवान एक तरफा केतली केतली यहाँ पर हो रही है, मतलब पिछली बार कहाँ थे? पिछली बार मैं उस टाइम वोट नहीं आया था मेरा। अच्छा, वोट आया नहीं था, तो पहली बार वोट कर रहे हैं। चलिए मुबारक, पहली वोट केतली पर जाए जी इंशाल्लाह। चलिए, क्यों पसंद आ रहा है चंद्रशेखर यहाँ सबको? सब हमारे बड़े कह रहा है। अच्छा, तो हम भी उन पे पीछे चलेंगे। अच्छा,
15 साल में आप कह रहे हैं कोई काम नहीं बोला, सिर्फ अपने अपनों का पेट भरा गया है सर। अपने अपने जो पार्टी में थे इनका ही पेट भरा गया है, आम आदमी को देखा नहीं गया। फिर इलेक्शन आते फिर मिट्टी मारते फिर चले जाते हैं वोट लेके। सबके जनता ने सीधा कह दिया है, कोई मनोज नहीं, कोई अखिलेश नहीं, कोई योगी नहीं, कोई योगी की पार्टी का नहीं, सिर्फ चंद्रशेखर, चंद्रशेखर रहेगा। चंद्रशेखर रहेगा जी। साहब आपका नाम क्या हुआ साहब? मोहम्मद चांद। जोर से बोलो, मोहम्मद चांद। चांद साहब क्या कर रहे हैं इस बार चुनाव में? केतली। केतली कहाँ जा रहे हो चुनाव में इस बार बताओ जी, कहाँ जा रहे? केतली। केतली, अरे भाई साहब आप भी, हम भी केतली में। क्या हो गया केतली, सबको इतनी पसंद क्यों आ रही है? साइकिल क्यों छोड़ दी? अच्छे हैं। अच्छे हैं कैसे? अच्छे हैं, हक के लिए लड़ते हैं लोगों के, संघर्ष करते हैं लोगों का, हक के लिए लड़ते हैं लोगों के, हक के लिए लड़ते हैं। आपको वो पसंद है? ये बात कई लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो संघर्ष है चंद्रशेखर का, लोगों की, आम लोगों की जो आवाज़ उठाते हैं वो इनको पसंद आ रही है। और भाई साहब आइए ज़रा। अच्छा चलिए जी साहब आइए, यहाँ भी कुछ लोग बैठे हैं, इनसे भी बात करते हैं। पीछे से आवाज़ ज़रूर आ रही है जी, आपसे तो बात हो गई। आप बताइए साहब क्या नाम हो आपका? मेरा हुमायूं अहमद। हाँ साहब हुमायूं साहब, क्यों आपको इस बार केतली पसंद आ रही है? केतली इसलिए पसंद आ रही है कि यहाँ पे जो भी कैंडिडेट आए, सपा के भी आए, बीएसपी के भी आए, गठबंधन से भी आए, हम लोगों ने उनको सपोर्ट किया, उनको जिता करके भेजा। लेकिन जो हमारी ज़मीनी स्तर की उनसे जो मांग थी, जो हमारी समस्या है, वो हल नहीं हो पाई। किस तरह की समस्याओं की बात कर रहे हैं? बैठे रहिए अरे जैसे कि हम आशीर्वाद में बैठे रहे, अच्छा लगता है। हाँ जी, हमारे यहाँ पे अगर अभी किसी की कोई तबीयत ख़राब हो जाए तो हमारे यहाँ अस्पताल है जी, लेकिन उसके अंदर सुविधाएं नहीं है जी। अगर एक कुत्ता काट ले किसी को तो डॉक्टर लिख के दे देते हैं कि आप बिजनौर चले जाओ या मेडिकल पर से इंजेक्शन खरीद लाओ। नगीना में उस तरह से कोई फैसिलिटी, इस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है जी। दूसरा, हमारे रेलवे का उदाहरण करने के लिए कहा था, आज तक वो भी नहीं हो पाया। सही बात। तो यहाँ किसी भी तरह का कोई मामला नहीं। भाजपा सरकार पिछली बार आई, तमाम जुमलेबाजी करी, तमाम वायदे किए हम लोगों से कि भाई 15 लाख रुपए खाते में भेजे जाएंगे, बोले 2 करोड़ नौकरी होगी, वो सब हवाई वायदे निकले। उनके कोई भी ऐसा मसला नहीं है सामने कि जिसको पूरा किया गया हो। मतलब आपको लग रहा है कि कुल मिला के ना मोदी जी ना अखिलेश जी, दोनों के वायदे कोई पूरे खास हुए नहीं यहाँ पर, इसलिए आप केतली की तरफ इस बार देख रहे हैं? इस बार ये नया विकल्प है चंद्रशेखर आज़ाद के रूप में, हम लोगों ने इसलिए यही डिसाइड किया है। और ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समाज ही है, बाकी दिगर समाज जो है, दलित समाज हुआ, अगर आप पिछला सभी सारे लोग मिलके जो है इस बार मन बना चुके हैं कि इस बार चंद्रशेखर आज़ाद को जिता के भेजेंगे। हमें उनसे ये उम्मीद है कि आने वाले वक्त में वो जीत के जाकर हमारे यहाँ की आवाज़ उठाएंगे, हमारी जो समस्याएं हो उनको दूर करेंगे। चंद्रशेखर के बारे में जो अभी तक, क्योंकि सत्ता में तो रहे नहीं है चंद्रशेखर, लेकिन उसके बावजूद भी कई सारे संघर्षों का हिस्सा रहे हैं, चाहे वो दलितों पर जब शोषण हुआ तब उन्होंने आवाज़ उठाई, जब CNRC के खिलाफ आंदोलन हुआ तब उन्होंने आवाज़ उठाई, जब महिला किसान आंदोलन जब हुआ तब उन्होंने आवाज़ उठाई, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे आंदोलनों के साथ जुड़े रहे हैं वो। क्या आपको ये बात भी उनकी पसंद है कि वो आम लोगों के जो आंदोलन है, मुद्दे हैं, उनके साथ जुड़े रहते हैं? हमें यही बात उनकी पसंद है, इसलिए हम उन पर विश्वास कर रहे हैं कि वो संघर्ष करने वाले हैं, संघर्ष करने वाले जी, और युवा है, युवाओं की पीड़ा को समझते हैं। चाय का न्योता भी आ चुका है तो अब हम ये इंटरव्यू ख़त्म करते हैं। ये बहुत एक रोमांचक इस बार चुनाव होने वाला है, या नगीना धीरे धीरे एक हॉट सीट बनती जा रही है। मुझे लगता है इस बार पश्चिम यूपी का जो पहला चरण है चुनाव का, उसमें जो दो हॉट सीट्स बन रही हैं, कैराना और नगीना, और दोनों जगह बहुत रोमांचक इस बार, बहुत कुछ नया देखने को मिल रहा है। ये देखेंगे आप कि यहाँ पर जहाँ मुस्लिम समाज में बहुत ज़्यादा वोट बसपा या सपा या कुछ पंजे को भी जाती थी, लेकिन इस बार एक तरफा, लगभग एक तरफा केतली या चंद्रशेखर की ही बात हो रही है। रुझान बड़े मज़ेदार हैं इस बार चुनाव में, शिक्षा और स्वास्थ्य की भी बहुत लोग बात कर रहे हैं, नए मुद्दे और बहुत पुरजोर तरीके से इस बार चुनावी मुद्दों के रूप में जुड़ चुके हैं। उम्मीद है आने वाले भी चुनाव ऐसे ही मुद्दों पर होंगे। CCA के साथ आप जुड़े रहें, पश्चिम यूपी और बल्कि बाकी उत्तर प्रदेश से भी आप तक खबरें आती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।